तेव्हा या मोर्चेकऱ्यांच्या तोंडामध्ये बुचका बसला होता हा एक प्रश्न आहे. आणि अमित शाह यांच्या भूमिकेच्या विरुद्ध निघाला आणि त्याबद्दल मी मोर्चेकऱ्यांचं अभिनंदन करतो. हां, हिंदू रक्षक शिवाजी महाराज यांचा अपमान जो महाराष्ट्रात राज्यपालांनी केला तेव्हा या मोर्चेकऱ्यांच्या तोंडामध्ये बुचका बसला होता हा एक प्रश्न आहे. शिवाजी महाराजांचा अपमान चालतो, इथे हिंदू आक्रोश नाही यांचा, बरोबर ना? काश्मीरच्या बाबतीत हिंदू आक्रोश नाही, राम भक्तांवर गोळ्या चालवणाऱ्या गुलाम सिंग यादव यांना मोदींचं हिंदुत्ववादी सरकार पद्मविभूषण हा किताब देऊन गौरव करतो. वीर सावरकर आणि हिंदुत्वाचे सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा सन्मान नाही. या सगळ्या मुद्द्यांवर कदाचित हा हिंदू आक्रोश मोर्चा काढला असेल. त्याच्यामुळे हा मोर्चा जो निघाला हा नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या भूमिकेच्या विरुद्ध निघाला आणि त्याबद्दल मी मोर्चेकऱ्यांचं अभिनंदन करतो. सर, कहले की हिंदू मोर्चा निकाला गया, भाजपा नेता का कहना है कि ये भाजपा का नहीं है, लव जिहाद के अगेंस्ट. नहीं, भाजपा ही मोर्चा. आप देखिए ना, नेतृत्व कौन कर रहे थे आप देखिए ना, अली यूनिफॉर्म बदला था, बाकी वही लोग. सर, शिवसेना के चिन्ह के ऊपर आज मैं एक सवाल का जवाब अब तक मेरा पूरा नहीं हुआ है, मैं दे रहा हूँ. देखिए, जो मोर्चा निकला है कल जनता हिंदू जन आक्रोश, वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी गलती हुई. समझ में नहीं आ रहा था कि ये मोर्चा किसके खिलाफ है और कौन निकाल रहा है. लगता है ये मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता प्रखर हिंदुत्ववादी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ निकाला है. देश में जो आक्रोश है हिंदुओं का, अगर सचमुच है तो सरकार किसकी है देश में? प्रखर हिंदुत्ववादी सरकार मोदी जी की और अमित शाह जी की है. तो आप जाकर देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है. आज भी हिंदू कश्मीरी पंडितों का पलायन जारी है, उनका टारगेट किलिंग जारी है. क्या इसलिए मोर्चा निकाला? राम भक्त कर सेवक, उनके ऊपर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव जी को जिस तरह से सम्मानित किया पद्म विभूषण से, क्या उसके खिलाफ ही आक्रोश मोर्चा था? वीर सावरकर को और बाला साहब ठाकरे जी को भूल गई सरकार एक बार, क्या उनके खिलाफ ही आक्रोश मोर्चा था? महाराष्ट्र में हिंदवी स्वराज्य संस्थापक हिंदू रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान किया राज्यपाल ने और सरकार ने कोई एक्शन नहीं ली राज्यपाल के खिलाफ, क्या यह आक्रोश मोर्चा हिंदुओं का छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के खिलाफ था? अगर है तो मैं इस मोर्चा का स्वागत करता हूँ और हिम्मत दिखाई कि मोर्चे वाले ने मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ जन आक्रोश करने का, उनका स्वागत करता हूँ. और फिर एक बार मैं बताऊंगा, ये मोर्चे वाले शिवसेना भवन के सामने आकर खड़े रहे तो उनको लगता है आज भी हिंदुत्व का एकमेव आशा स्थान शिवसेना भवन ही है. बोलिए सर, आपने धर्म की बात